गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रीवियस टॉपिक फ्रॉम यूनिट वन। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर कुछ पॉइंट्स पिछली बार स्किप हो गए थे, वो पॉइंट्स हमने इस बार ऐड किए हैं और उस पॉइंट को दोबारा से रिवाइज किया है। आई होप कि अब ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ आ जाए और आप और अच्छे से इसको कवर कर सकें। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। एरोबिक्स ट्रेनिंग इज बेसिकली वर्क ऑन योर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड द एरोबिक्स प्रोग्राम कैन बी फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप फॉर बोथ। द प्रोग्राम आर एडजस्टेड फॉर एवरी वन, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे वो चाइल्ड चिल्ड्रन हो, चाहे वो यंग एज पर्सनल हो, चाहे वो ओल्ड एज वुमेन हो, चाहे वो ओबीस हो, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, किसी भी केसेस में एरोबिक्स प्रोग्राम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम मीन्स अ पर्सन हु इज डूइंग ट्रेनिंग विद 1:1 रेशियो, मीन्स यू आर टेकिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर और यू आर डूइंग ट्रेनिंग विदाउट इंस्ट्रक्टर अलोन, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ट्रेनिंग। Or if you are doing training with the help of instructor along with your friend, call group training. जैसे ही रेशो 1:2 हो जाएगा वो ग्रुप ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप 1:1 कोई पर्सनल क्लासेस ले रहे हैं वो आपका इंडिविजुअल ट्रेनिंग में रहेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम की, यानी कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम की। तो द डेफिनेशन इज द ट्रेनिंग विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन और स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर केस सब्जेक्ट और इंडिविजुअल कॉल इंडिविजुअल ट्रेनिंग। द आइडियल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द इंडिविजुअल। दे आर सर्टेन मैथड, सर्टेन क्राइटेरिया टू प्रिपेयर अ इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम और ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो स्टार्ट विद द इंडिविजुअल। एज आई टोल्ड यू, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एरोबिक्स ट्रेनिंग इज ए कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एंड टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव द पीपल आर स्ट्रगलिंग विद सर्टेन प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एरोबिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मे बी दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर बॉडी वेट और दे वांट टू रिड्यूस देयर बॉडी वेट, दैट्स व्हाई दे वांट टू ज्वाइन द इंडिविजुअल एरोबिक्स ट्रेनिंग वर्कआउट। मे बी दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर बॉडी शेप, दे वांट टू रिड्यूस देयर बॉडी शेप। सम केसेस दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी विद एरोबिक्स? बिकॉज एरोबिक्स एक्सरसाइज विच इज परफॉर्म ऑन द म्यूजिक, और जब आप म्यूजिक के ऊपर कोई भी वर्कआउट करते हैं तो आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटल रिलीफ मिलता है। तो इस वजह से बहुत सारे केसेस में भी मेंटल और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए भी एरोबिक्स वर्कआउट अडॉप्ट किया जाता है, इंडिविजुअल भी और ग्रुप भी। इन सम केसेस दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द रिहैबिलिटेशन और दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर इंजरीज, तो वहाँ पर एथलीट या नॉन एथलीट भी एरोबिक्स वर्कआउट अडॉप्ट करते हैं, इंडिविजुअल भी और आपका ग्रुप भी। उसके पास सेकंड क्राइटेरिया होता है कि इफ़ यू फील कि आपका फिटनेस लेवल इतना अच्छा नहीं है कि आप ग्रुप में कर सकें, आप बड़ा शाही फील करते हैं, आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हैं, तो आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग को आप सिलेक्ट करते हैं। इवन इफ़ यू नो कि आपकी जो पास हिस्ट्री है कोई बहुत पुरानी इंजरी है या बैक पेन है, अगर आप ग्रुप ट्रेनिंग में करेंगे तो शायद चोट ना लग जाए, वो सपोर्ट ना मिल पाए, वो ऑब्जर्वेशन ना हो पाए ट्रेनर की, तो आप 1:1 ट्रेनिंग अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हमेशा आपकी ऑब्जर्वेशन ट्रेनर के ऊपर रहे या ट्रेनर की ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर रहे। थर्ड क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयर द प्लान आइदर फॉर ग्रुप ट्रेनिंग और इंडिविजुअल ट्रेनिंग इज अकॉर्डिंग टू योर एज, योर जेंडर और योर फिटनेस लेवल। सो स्टार्ट विद द एज। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे गए हैं जिनको यूनिफॉर्मिटी सेट करने के लिए एज के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाया जाता है, मीन्स यंग एज का अलग, ओल्ड एज का अलग, उनके फिटनेस लेवल को ध्यान रखा था क्योंकि इंटेंसिटी उनके फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग ही सेट होती है। इन सम केसेस जेंडर आल्सो एप्लीकेबल, मीन्स दोज वुमेन हु आर जस्ट वांट टू डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द ग्रुप और सम अदर मिक्स ग्रुप, सो दे वांट टू सेलेक्ट इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम ताकि वो 1:1 ट्रेनिंग कर सकें। सिमिलरली दोज वुमेन हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, और उनको लगता है कि अगर वो एरोबिक्स कार्डियो वर्कआउट करते हैं तो शायद उनकी बॉडी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आए, और वो कंफर्टेबल नहीं है ग्रुप ट्रेनिंग वर्कआउट करने में, तो वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग वर्कआउट अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयर द प्लान आइदर फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप, सम केसेस इन स्पेशल केसेस में भी ध्यान रखा जाता है कि इन सबको मर्ज ना किया जाए, सबके लिए स्पेसिफिक और एक अलग से डिज़ाइन किया जाए प्रोग्राम। Like for those who are obese men or women, if they want to do exercise alone or 1:1 training, तो वो अपना इंडिविजुअल ट्रेनिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। They are not comfortable with the group because of their body shape or their body weight.
बहुत सारी ओवरवेट ऐसी पॉपुलेशन होती है, अर्थराइटिस बता चुका हूँ मैं, मेंटल स्ट्रेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, स्पोर्ट्स पर्सन, जो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो अपने रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में कार्डियो वर्कआउट करना चाहते हैं, वो भी अपना वन टू वन ट्रेनिंग इंडिविजुअल प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, पर्सन विद स्पेशल नीड, फॉर एग्जाम्पल हियरिंग प्रॉब्लम है कुछ लोगों को और बहुत ज़्यादा फैट है बॉडी में और कार्डियो वर्कआउट करना चाहते हैं, तो वो भी अपना एरोबिक्स इंडिविजुअल प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में दे आर नॉट कम्फर्टेबल और बहुत ही प्रॉब्लम होगा अगर ग्रुप में उनको एडजस्ट कर देंगे, तो उनके या तो अलग से ग्रुप बना सकते हैं एज ए इंडिविजुअलाइज ग्रुप, या फिर उनको एक इंडिविजुअल ग्रुप में वर्कआउट कर सकते हैं वन टू वन में। द लास्ट वन इज प्रेगनेंट वुमन, बहुत सारी ऐसे रिसर्च हुई हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी इफ़ यू आर डूइंग फिजिकल वर्कआउट, इफ़ यू आर डूइंग ट्रेनिंग और इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है आपकी बॉडी में एज वेल एज आपकी बेबी के लिए भी। तो फर्स्ट फोर मंथ तक आप लो इम्पैक्ट से वर्कआउट कर सकते हैं, आप अपना हार्ट बीट का ध्यान रखेंगे, बस आपकी हार्ट बीट 140 बीट्स पर मिनट से ऊपर ना जाए, टारगेट हार्ट रेट जोन के अंदर रहे। इस कुछ प्रिंसिपल आपने फॉलो करना है कि हमेशा इंस्ट्रक्टर को बताना है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप वर्कआउट करना चाहते हैं, और हमेशा ऑब्जर्वेशन के अंदर रहें, क्योंकि जब आप वन टू वन करते हैं प्रोग्राम तो आपकी ऑब्जर्वेशन इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप आपकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप स्पेशल केस के थ्रू अपना इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्ट क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम और ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम, टाइम के अकॉर्डिंग भी अपना प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी टाइम सुटेबल नहीं है ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो जिम प्रोवाइड कर रहा है टाइमिंग, जो बैच जो जिम प्रोवाइड कर रहा है वो आपसे साथ आपका जिम के टाइम आपके ऑफिस के टाइम टाइम के साथ क्लैश कर रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम अडॉप्ट कर सकते हैं। इवन टाइप ऑफ एक्सरसाइज भी, आप कंफर्टेबल नहीं है उन एक्सरसाइज में, आपको लगता है कि आपको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप बहुत ही थोड़ा सा हेजिटेट भी करते हैं, तो आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम अडॉप्ट कर सकते हैं। इवन समटाइम टाइप्स ऑफ म्यूजिक आल्सो, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मोटिवेशन फैक्टर बहुत कम रहता है, तो अगर आपके इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए म्यूजिक भी आपके पसंद कर दिया जाए तो हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है। एंड द सेकंड लास्ट इज लाइफस्टाइल, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, नाइट शिफ्ट होती है आपकी, जॉब का नेचर ऐसा है कि आप नहीं दे पा रहे हैं टाइम फिटनेस के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग पर्सनल इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, आपका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जा सकता है और स्पेसिफिकली आपके लिए सिलेक्ट किया जा सकता है कि ये ट्रेनिंग इक्विपमेंट आपके लिए ही अवेलेबल है, आप जब आएंगे आपको वर्कआउट करने के दौरान ये सब मिलेगा, तो वो भी आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल। अच्छा, इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम दो तरह के हो सकते हैं, एक विद इंस्ट्रक्टर और एक विदाउट इंस्ट्रक्टर। विदाउट इंस्ट्रक्टर मीन्स यू कैन डू वर्कआउट एट योर होम विद द हेल्प ऑफ बहुत सारी वर्चुअल वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आपके टीवी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको देख सिखाते हैं एक्सरसाइज करना, एरोबिक्स ट्रेनिंग करना, तो उनको ऑन करके आप घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। सेकंड है मिरर वर्कआउट, मीन्स आपने कहीं बुक में पढ़ा हुआ है या पहले कभी आपने किया था वर्कआउट, अब आप जिम जाना नहीं चाहते हैं या आप फिटनेस सेंटर जाना नहीं चाहते हैं, तो आप घर पर मिरर के सामने वर्कआउट कर सकते हैं। सेकंड इंडिविजुअल ट्रेनिंग जो वर्कआउट है वो है विद इंस्ट्रक्टर, वो आपका एट होम हो सकता है एज ए पर्सनल ट्रेनर या फिर एट जिम और आपका फिटनेस सेंटर में भी हो सकता है वन टू वन। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल एज पर देयर डिजायर नीड एंड रिक्वायरमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पर आप मॉनिटरिंग भी बड़ी आसानी से हो जाती है, और ये इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा आपको मॉनिटर करता रहे कि कितने चेंजेस आपके अंदर आए हैं और क्या क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट की, जैसे टॉपिक की है ट्रेनिंग, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग वर्कआउट की, और इंडिविजुअल ट्रेनिंग वर्कआउट में आपने ध्यान रखना है फिट प्रिंसिपल, जो हमने बहुत बार हमने किया हुआ है। सो एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, आई स्टैंड फॉर इंटेंसिटी, टी स्टैंड फॉर योर टाइम, योर वॉल्यूम, एंड लास्ट टी स्टैंड फॉर योर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। After four this principle of workout, then you have to go for the progression. क्योंकि progression बहुत important है ये check करने के लिए कि आप जो workout दे रहे हैं individual को वो कितना improve कर रहा है, उस improvement के बाद ही आप next step पे जाएंगे। Then psychological preparation is very important in individual program, क्योंकि आप psychologically उनको और boost नहीं करेंगे, उनको motivate नहीं करेंगे, तो उनका interest धीरे धीरे कम हो जाएगा। The next one is occupational level और your lifestyle जो भी है आपका, वो बहुत important रहेगा इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम डिज़ाइन होगा। देन थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है इकोनॉमिकली, बहुत ज़्यादा आपको
हल्का नहीं मिलेगा आपको, यू हैव टू पे वेरी हैवी अमाउंट इफ़ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट द इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचिंग मेथोलॉजी बहुत ही स्पेसिफिक रहेगी अगर आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको वन बाय वन। सो स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स दैट द टोटल ड्यूरेशन, टोटल एक्सरसाइज यू आर डूइंग। अगर आपके पास बहुत कम ऑप्शन है एक्सरसाइज के तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, अगर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। आप जो 16 काउंट, 8 काउंट, एल शेप, डायमंड, मार्च पास, ये सारा फ्रीक्वेंसी का ही पार्ट है। इवन इफ़ यू आर डूइंग ट्रेनिंग, 10 मिनट्स ट्रेनिंग, 5 मिनट रेस्ट, अगेन 10 मिनट्स ट्रेनिंग, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एरोबिक्स में ये देखा गया है या किसी भी ट्रेनिंग में देखा गया है कि यू हैव टू टेक एटलीस्ट 10 रेपिटेशन और एटलीस्ट 16 काउंट। जब ये आप करेंगे तभी आपकी बॉडी में चेंजेस आएगा। और आफ्टर रेपिटेशन यू हैव टू गो एटलीस्ट 3 सेट, 3 सेट मस्ट है अगर आपको बॉडी में चेंजेस लाने हैं या फिर इंप्रूवमेंट लाना है। 2 सेट से बात नहीं बनेगी। इन केस, इन सम केसेस अगर आपके चेंजेस नहीं आ रहा है या फिर आपको 3 सेट कंप्लीट करने में प्रॉब्लम है या पेन हो रहा है तो आप लास्ट सेट को 2 और सेट में डिवाइड कर सकते हैं, टोटल 4 सेट कर सकते हैं। लेकिन आप अपने पूरे रैप निकालेंगे, पूरे रेपिटेशन निकालेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको लगता है कि ओवर ट्रेनिंग हो रहा है उसे टाइम आप ट्रेनर को इन्फॉर्म करेंगे और आपकी ट्रेनिंग रोक देंगे। 4 सेट को कंप्लीट करने की कोशिश करना है आपने या 3 सेट जितने मिले उनको कंप्लीट करने की कोशिश आपने करना है। तो दिस ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी और रेपिटेशन। द सेकंड इज इंटेंसिटी। एरोबिक्स ट्रेनिंग वर्कआउट में इंटेंसिटी मींस मॉडरेट एंड द इंटेंसिटी इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर हार्ट रेट। अब हार्ट रेट कैसे चेक करेंगे? जब इंडिविजुअल आपके पास आएगा तो सबसे पहले आप उसको नॉर्मल वर्कआउट कराएंगे, उसको रिदम में लेकर आएंगे, उसको सबसे पहले आप काउंटिंग के साथ एक्सरसाइज कराएंगे। आफ्टर काउंटिंग आप उनके साथ फिर म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज कराएंगे, फिर काउंटिंग एंड म्यूजिक, उसके बाद दोनों आपका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, फिर विद द हेल्प ऑफ योर टारगेट हार्ट रेट जोन, आप हार्ट रेट मॉनिटर की हेल्प से आप उनकी टारगेट हार्ट रेट चेक कर लेंगे। जब आपको लगेगा कि कुछ टाइम के बाद ये कंफर्टेबल कर पा रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग उनकी इंटेंसिटी सेट कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि आपके टारगेट हार्ट रेट के अकॉर्डिंग आपकी हार्ट बीट ऊपर नहीं जानी चाहिए और उसी के ध्यान रखते हुए आपकी मॉडरेट लो इंटेंसिटी आप सेट करेंगे। द सेकेंड वन इज टाइम। सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन और अमेरिकन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, आपका जो मिनिमम टाइम एरोबिक्स वर्कआउट का है वो 30 मिनट्स होता है, यानी कि 150 मिनट्स इन ए वीक। ये मिनिमम है, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप कितना भी टाइम कर सकते हैं, आपका वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, आप इसको डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली 60 मिनट आपने वर्कआउट करना है। इट कैन बी 10 मिनट वर्कआउट, 5 मिनट रेस्ट, अगेन 10 मिनट वर्कआउट। इट कैन बी 7 मिनट वर्कआउट, 5 मिनट रेस्ट एंड 7 मिनट वर्कआउट विद 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। वार्मिंग अप करेंगे, उसके बाद आखिरी में कूलिंग डाउन भी करेंगे। जब आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेलेक्ट करते हैं तो टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आइदर इन मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। और ये फिक्स नहीं होता, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वहाँ पर। जब आपको आपका ट्रेनर आपका अवेलेबल है, क्योंकि आपने पर्सनल ट्रेनर सेलेक्ट किया हुआ है, और आप खुद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने कंफर्टेबल, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप टाइम सेट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आप जब टाइम सेट करेंगे तो आपके खाने में, आपके मील में देर शुड बी अ 2 और 3 आवर गैप बिटवीन योर ट्रेनिंग एंड योर मील, उसके बाद ही आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। आपने पूरे के पूरे वर्कआउट को आप जो डिवाइड करेंगे, सबसे पहले वार्मिंग अप, उसके बाद मेन कंटेंट, यानी कि स्पेसिफिक वर्कआउट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, नॉट फॉर द ग्रुप, और आखिरी में आपका कूलिंग डाउन। ये आपका पूरा का पूरा जो टोटल वॉल्यूम होगा ये डिसाइड करेगा। देन नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ एक्सरसाइज। फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट है आपका, वो है आपका टाइप ऑफ एक्सरसाइज। इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारी वेराइटी आपकी नहीं होती है, क्योंकि आपका ट्रेनर सेट करता है पहले से पूरा डिज़ाइन और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आपके पास काफ़ी ऑप्शन है अगर आप एरोबिक्स करना चाहते हैं तो, आपका फ्लोर एरोबिक्स है, वेट एरोबिक्स है, स्टेप एरोबिक्स है, एक्वा एरोबिक्स है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, किक बॉक्सिंग है, ट्रेडमिल, स्टेशनरी बाइक्स, रनिंग है, आपका नॉर्मल रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज में आते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोग्रेशन। जब आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो प्रोग्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर बीइंग ए गुड इंस्ट्रक्टर
इट इज़ हिज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमेशा आपको फीडबैक देता रहे, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे हमेशा वो काम करता रहे। हमेशा ऑब्जर्व करें कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है और उस प्रोग्रेशन को हमेशा आपके साथ शेयर करें। उस प्रोग्रेशन को देखने के बाद ही आपका नेक्स्ट गोल डिसाइड होता है, आपका नेक्स्ट टारगेट डिसाइड होता है, और ये प्रोग्रेशन आपको एक तरीके से मोटिवेशन भी देती है हमेशा। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्कआउट करें, आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग में अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेशन का भी ध्यान रखा जाए। जब वन टू वन इंटरेक्शन में है, वन टू वन पर्सनल ट्रेनिंग में है, तो प्रोग्रेशन बहुत ईजी ऑब्जर्व हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पता होता है ट्रेनर को कि कितना चेंजेस आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत सारे मेथड से हो सकती है, आपकी प्रोग्रेशन नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि आपके फेस से क्या चेंजेस आ रहा है, आपके फेस में बहुत पेन तो नहीं हो रहा आपको, आपका फेस कलर चेंज तो नहीं हो रहा। बहुत सारी मेजरमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जब इनिशियली आपने ज्वाइन किया तो आपका बॉडी वेट एक स्क्रीनिंग लिया गया, आपका मेजरमेंट लिया गया बॉडी का, और कुछ टाइम बाद आफ्टर 3 वीक और 4 वीक दोबारा मेजरमेंट लिया गया और फिर चेंजेस देखा गया कि कितनी चेंजेस आपके बॉडी में आए हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम किया गया। ऐसा कहा जाता है ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज इन योर बॉडी यू हैव टू इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग एटलीस्ट 45 डेज, और 45 डेज के बाद ही आपके बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। पर यहाँ पर प्रोग्रेस का देखना एक तरीके से मोटिवेशन फैक्टर रहता है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे बहुत कम मोटिवेशन फैक्टर देखा गया है। लेकिन जब आपको पता लगेगा कि फीडबैक डायरी मेंटेन हो रही है आपकी, आपकी खुद को पता लग रहा है कि आपने 1 वीक में क्या किया, 2 वीक में क्या किया, और क्या वर्कआउट आप कर सकते हैं जो अब आपकी वीकनेस है, तो उससे आपको एक अलग से मोटिवेशन मिलता है। तो ये एक प्रोग्रेशन का पार्ट है जो हमेशा होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो बींग ए गुड ट्रेनर इज हिज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमेशा आपको थोड़ा बूस्ट करता रहे, हमेशा आपको पुश करता रहे। वो जो बूस्ट है, वो जो पुश है, वो आपकी विल पावर को बढ़ाता है, आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में कि आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपकी इंटेंसिटी सेट करने के बाद वो आपका गोल सेट करें। हमेशा स्टार्टिंग में स्मॉल गोल्स पे वर्कआउट करें, जब स्मॉल गोल आप अचीव हो जाए उसके बाद वो लॉन्ग गोल पर जाए। एंड द गोल शुड बी रियल, अनरियलिस्टिक गोल पे हमेशा काम नहीं किया जाए। उससे क्या होगा कि हमेशा आपको नेगेटिव आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। आप बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अनरियलिस्टिक गोल सेट किया हुआ है। जब आप रियलिस्टिक गोल पे काम करते हैं, आप नॉर्मल गोल पे काम करते हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखती है। हमेशा आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, हमेशा आपने कॉन्फिडेंट रहना है। ये सारा का सारा इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हमेशा आपको पुश करें। इससे आपका मेंटल टफनेस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ता है, और आप ट्रेनिंग के साथ साथ अपने आप को और मोटिवेट करते हैं कि यस आई कैन डू इट। द नेक्स्ट वन इज फॉर द इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम योर ऑक्यूपेशनल। बहुत सारी जगह देखा गया है कि ड्यूरिंग योर ऑक्यूपेशनल योर लाइफस्टाइल आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि आप ग्रुप ट्रेनिंग में कंफर्टेबल नहीं है, जो जिम की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आप नहीं कर पा रहे हैं अडॉप्ट। आपकी उस टाइम जॉब होती है या फिर आप ऑफिस में होते हैं, आपका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि बहुत सेडेंटरी है, फिटनेस बहुत पुअर है, बहुत ज़्यादा फैट बॉडी में आ गया, और कार्डियो एंड्योरेंस पे आपने वर्कआउट करना है, तो आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग पर्सनल ट्रेनिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रेनिंग विच इज़ सेलेक्ट फॉर द इंडिविजुअल थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है। बहुत सारे जिम्स ने आजकल पैकेज भी दिए हुए हैं जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली होते हैं। एडवांस पेमेंट देना होता है, नो रिटर्न नो शिफ्ट, थोड़ा हैवी फीस होता है, और सबसे मेन जो इनका जो पॉजिटिव एक पॉइंट होता है वो ये होता है कि वन टू वन इंटरेक्शन आपको मिल जाता है। वन टू वन इंटरेक्शन के बाद, फिट प्रिंसिपल के बाद, सारे पॉइंट कवर करने के बाद, टीचिंग मेथडोलॉजीज आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वन टू वन ट्रेनिंग, क्योंकि वहाँ पर आपका इंस्ट्रक्टर बहुत सामने है आपके, तो उसकी बहुत सारी टीचिंग मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये है कि वो आपकी स्टडी करें। बिफोर स्टार्ट द क्लास ही हैज़ टू टेक कम्प्लीट स्टडी। आप पहले क्या बैकग्राउंड था आपका, कब स्टार्ट किया, कोई इंजरी तो नहीं है बॉडी में, कोई प्रीवियस कोई डिजीज़ या कोई एलर्जी या कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपका स्पेसिफिक प्रोग्राम डिज़ाइन होता है जो केवल आपके पोटेंशियल और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके इंडिविजुअल की। सेकेंड, द ट्रेनर विल गिव यू द गुड एजुकेशन अबाउट योर एक्सरसाइज, अबाउट योर डाइट, किस एक्सरसाइज का किस बॉडी पार्ट पर क्या इम्पैक्ट है,
उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, क्या क्या चेंजेस आएंगे उस एक्सरसाइज करने के बाद, एक्सरसाइज के बाद आपने क्या मील में लेना है, एक्सरसाइज से क्या पहले लेना है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव रिड्यूस टू बॉडी वेट तो आपने क्या खाना है, क्या कैलोरी कैसे कंज्यूम करनी है, ये सारा आपको एजुकेशन आपका ट्रेनर देगा वन टू वन इंटरेक्शन में। ग्रुप में भी आपको मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, ग्रुप में लोग हेजिटेट करते हैं पूछना या फिर इंटरेक्ट करना, इंडिविजुअल ट्रेनिंग में वो जो गैप है वो कम हो जाएगा। थर्ड मेथोडोलॉजी, जब आप कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एरर को करेक्ट करना काफ़ी आसान होता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग में। बहुत अदर एक्सरसाइज में, बहुत बड़े ग्रुप में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाती है जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग में अगर आप कोई एरर कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट ट्रेनर आपको करेक्ट कर देगा। गुड ट्रेनर वो दोनों में ही परफॉर्म करेगा, चाहे वो ग्रुप हो या इंडिविजुअल ट्रेनिंग हो। लेकिन हाँ, ऐसा देखा गया है कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग में करेक्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वन टू वन इंटरेक्शन है इन कंपेरिजन टू द ग्रुप ट्रेनिंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज मोटिवेशन फैक्टर। बहुत सारे ट्रेनर बहुत सारे डिफरेंट मोटिवेशन मेथड यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट को, अपने इंडिविजुअल को और अच्छे से मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेशन दो तरह का हो सकता है, इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी। इंट्रिंसिक तो ये कि आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें, आपको हमेशा रियलाइज़ कराएं कि आपका गोल क्या है, किस तरीके से आपने अचीव करना है और कितना आपने हार्डवर्क करना है। एक्सट्रिंसिक मीन्स कि आपको कुछ पॉलिसीज जिम रखते हैं कि अगर आप ये लेवल अचीव करेंगे तो यू विल गेट की चेन ऑफ द जिम, बैग आपको मिलेगा, आपको कैप मिलेगी जो हमने जिम में रखा हुआ है। तो वो सारे मोटिवेशन फैक्टर वो अडॉप्ट करते हैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। द फर्स्ट वन इज ही सीज ए स्पोर्ट्स पर्सन जो अभी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में अभी अंडरगोइंग है और वो एक एरोबिक्स प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर वन टू वन इंटरेक्शन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द ओल्ड एज लेडी जो ओबीस कैटेगरी से हैं और दे वॉन्ट टू डू सेपरेटली वर्कआउट इन साइड द वाटर, तो उनको भी हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग वर्कआउट प्रोवाइड करा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप ट्रेनिंग वर्कआउट। जैसे कि मैंने कहा आपको कि वन टू वन रेशो जो होता है आपका इंडिविजुअल ट्रेनिंग वर्कआउट है, जैसे ही वो रेशो वन और टू हो जाता है वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। वो ग्रुप नॉर्मल तीन लोगों का भी हो सकता है, मिक्स पॉपुलेशन का भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज एक्वा एरोबिक्स भी हो सकती है, स्टेप एरोबिक्स भी हो सकती है और फ्लोर एरोबिक्स भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड कुट, ट्रेनिंग इन ए ग्रुप इज ए मोटिवेशन फैक्टर फॉर एम्पावरमेंट, इम्प्रूव एनर्जी, रिड्यूस फटीग एंड द गेनिंग ऑफ नॉलेज इन सेल्फ असिस्ट ट्रेनिंग। Whether you are beginner or layman at the gym or you just don't have much fitness knowledge, group fitness class may be your solution. Joining a class can help build a foundation and structure that you can use to fuel your personal health journey for years to come. Group fitness classes aajkal bahut zyada gyms provide kar rahe hain jisme indoor and outdoor dono hote hain। इंडोर में आपका फ्लोर एरोबिक्स, स्टेप एरोबिक्स, वेट एरोबिक्स, एक्वा एरोबिक्स, स्टेशनरी साइकिलिंग रनिंग्स ऑन ट्रेडमिल्स, डांस, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, ये सारे आपके इंडोर के पार्ट हैं। आउटडोर में आउटडोर रनिंग, आउटडोर साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ये सारे आउटडोर के पार्ट हैं। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रुप क्लासेज ऑफर्ड बाई जिम्स एंड एथलेटिक्स क्लब्स इन दीज डेज। ग्रुप एरोबिक्स ट्रेनिंग इज ए ग्रेट वे टू हेल्प मोटिवेट योर सेल्फ एंड अदर्स टू डिग डीपर एंड पुश हार्डर इन वर्कआउट्स। Group aerobics training is a great way to get a workout and without having to think or plan. Each class is structured with a warm-up, a balanced workout and cool-down. Remember, individual training mein each class is structured or designed with a warm-up and the specific workout and the cool-down. But here, a balanced or standard workout. It is the aerobics instructor job to not only show proper form, but to also make sure that everyone in the class is execute each exercise in the right way. Correct the error and make sure the safety of each participants. Having a variety of classes within a group will help you to motivate yourself. So according to the definition, aerobic exercise which is conducted in the group, structure or design on the basis of fitness level, age and gender in specific case called group aerobics. ग्रुप में जो भी एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज और डिज़ाइन एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाए वो आपकी ग्रुप एरोबिक्स का ही पार्ट है, ग्रुप एरोबिक्स को बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप एक्सरसाइज इज टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ होल ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग द कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। सब लोग वही इम्प्रूव करने आए हैं। इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम बिगनर टू मॉडरेट एंड एडवांस।
which ultimately help them to improve their physical fitness and health, common goals for physical fitness, and mass participation. There are certain criteria also like individual aerobics training, mass participation को promote करते हैं, mixed population होती है, men, women साथ रहते हैं, age category भी साथ रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा gap नहीं रहता fitness level में, और क्योंकि fitness level के according ही intensity decide होती है. Common goals होते हैं cardiorespiratory endurance, cardiovascular fitness. Self-interest and willingness is also very important in the for the group training. अगर आप चाहते हैं तभी आप group training में आना चाहेंगे. Uniformity in the group as per the age and potential. In some cases, जहाँ पर uniformity इनको maintain करनी होती है, जिसको हम individualized group training भी कहते हैं, जहाँ पर सब लोग same एक ही category के होते हैं. या तो सारे obese होंगे, या सारे pregnant women होंगी, या सारे old age women होंगी. तो उस कैटेगरी में एक इंटेंसिटी को वर्कआउट ध्यान में रखते हुए, एक गोल को ध्यान में रखते हुए, एक पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए आप एक यूनिफॉर्मिटी बनाते हैं उस ग्रुप की, उसको हम इंडिविजुअलाइज ग्रुप ट्रेनिंग कहते हैं. स्पेशल ग्रुप कैन बी मेड एज पर देयर गोल्स एंड एबिलिटी एज आई टोल्ड यू. अ रेंज ऑफ सेशन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज दैट आर सेफ एंड ईजी फॉर एवरी वन. बहुत स्लो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मॉडरेट एंड देन फिर हाई पर जाते हैं. अ पोटेंशियल और एबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट कुड बी सेम. Develop the fitness level as a foundation. Focus on synchronize and coordination in all moves. Maintain the pace and momentum of each moves. Intensity low to medium, then high. Basic, intermediate and advanced move. हमेशा start करते हैं low से. Sequencing of exercise appropriate for beginner, intermediate and advanced clients. And select appropriate music for exercise session. Why appropriate music? क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो जो ग्रुप है वो अपने आप ही उनके दिमाग में वो म्यूज़िक चलता रहता है, अपने आप ही स्टेप उठने लग जाते हैं, बिकॉज वो म्यूज़िक के साथ अपने माइंड को ऑटोमेटाइज कर लेते हैं, और इसलिए वो एक अप्रोप्रिएट म्यूज़िक रखते हैं ताकि बीट्स भी आपके मूव्स को करने में हेल्प करें. विदाउट बीट्स वो म्यूज़िक सेलेक्ट नहीं करते हैं. म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एरोबिक्स वर्कआउट में. तो ग्रुप एरोबिक्स, चाहे वो कंप्लीट मिक्स पॉपुलेशन होती है या फिर वो इंडिविजुअलाइज ग्रुप ट्रेनिंग हो सकता है, जहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सभी प्रेग्नेंट वुमेन है और वो अलग से अपना प्रोग्राम चाहते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं और उनका ग्रुप डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसको हम इंडिविजुअलाइज ग्रुप ट्रेनिंग कहते हैं. अगेन यू हैव टू फॉलो द फिट प्रिंसिपल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द ग्रुप ट्रेनिंग वर्कआउट. आफ्टर फिट यू हैव टू गो फॉर द प्रोग्रेशन, देन साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, सोशल डेवलपमेंट. आपके ग्रुप ट्रेनिंग में सोशल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देन द इकोनॉमिकल एंड द लास्ट वन इज टीचिंग मेथोडोलॉजी. ग्रुप ट्रेनिंग और आपका इंडिविजुअल ट्रेनिंग में टीचिंग मेथोडोलॉजी दोनों में काफ़ी अलग अलग होगी. इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं. तो स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी एज आई टोल्ड यू सिमिलर लाइक इंडिविजुअल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका जो ग्रुप है उसको ध्यान में रखते हुए, उसके पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए, उसकी इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए, इट कुड बी 10-5-10, 15-5-15 और 25-20 स्टार्टिंग विद वार्मिंग अप, देन योर बैलेंस कंटेंट, योर स्टैंडर्ड कंटेंट, और उसके बाद आपका कूलिंग डाउन. 8-16 काउंट आप करते हैं तो वो भी आपके फ्रीक्वेंसी में ही आएगा. बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर आपके पास ऑप्शन बहुत कम है एक्सरसाइज की तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी. देन इंटेंसिटी. इंटेंसिटी ऑलवेज सेट अकॉर्डिंग टू योर टारगेट हार्ट रेट जोन. उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, 220 माइनस एज मल्टीप्लाई बाय 0.60 एंड 0.80 टू चेक द योर टारगेट हार्ट रेट जोन. मॉडरेट में आपका जो रेशो रहेगा आपका फिटनेस वर्कआउट का 40-60% रहेगा. उसके अकॉर्डिंग ही आप सेट करेंगे आपकी इंटेंसिटी. सो इनिशियली इन एनी प्रोग्राम इन एरोबिक्स ट्रेनिंग यू विल स्टार्ट द बेसिक स्टेप्स और मूव्स ऑन काउंटिंग 16 और 8, फॉलो बाय द इंस्ट्रक्टर स्टेप बाय स्टेप जैसे वो बताते हैं. उसके बाद यू स्टार्ट स्टेप विद द रिदम एंड मोमेंटम विद म्यूजिक स्लोली स्लोली, स्टेप विद म्यूजिक बीट्स बाय फॉलो द इंस्ट्रक्टर, देन स्टेप द मोमेंटम, स्टेप विद म्यूजिक एंड इंस्ट्रक्टर विद अ नॉर्मल पेस, कोऑर्डिनेटर विद द म्यूजिक एंड इंस्ट्रक्टर ऑन अ पर्टिकुलर पेस, चेक द हार्ट रेट आफ्टर सम टाइम एंड हेल्प द हार्ट रेट मॉनिटर. उसके अकॉर्डिंग आप इंटेंसिटी सेट कर देते हैं और उसी इंटेंसिटी पर फिर कुछ दिन आप वर्कआउट कराते हैं, उसके बाद आप पर्टिकुलर ग्रुप डिज़ाइन करते हैं. टाइम वॉल्यूम, टाइम
डिफरेंट टाइम्स में आप वर्कआउट कर सकते हैं। मिनिमम टाइम मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इट शुड बी 30, लेकिन अगर आपकी बॉडी पोटेंशियल है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ग्रुप का सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि ऑलरेडी प्रोग्राम डिजाइंड रहता है और सबके लिए वो कॉमन है। द प्रोग्राम शुड बी 25 मिनट्स, जिसमें आपका 5 मिनट आपका वार्मिंग अप, 7:57 आपका वर्कआउट और 5 मिनट आपका कूलिंग अप। इट कुड बी 30 मिनट्स, 40 मिनट्स और 50 मिनट्स, 1 आवर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ग्रुप पर कि वो ग्रुप कितना फिट है और कितना एंथुजियास्टिक है वर्कआउट करने के लिए और आराम से कर पाता है। देन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। जनरल फिजिकल फिटनेस और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस पर ध्यान दिया जाता है, और आपका फ्लोर एरोबिक्स, स्टेप एरोबिक्स, वेट एरोबिक्स, एक्वो एरोबिक्स, ऑलमोस्ट सारे सिमिलर वर्कआउट के पास ऑप्शन ऑप्शन रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि टाइप ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पर फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नीड हम चेंज कर लेते हैं। प्रोग्राम पहले से स्ट्रक्चर्ड है लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है कि आपने मंडे आपने फ्लोर किया, ट्यूसडे आप स्टेप कर सकते हैं, आप वेडनेसडे आप अगेन आप वेट कर सकते हैं, फ्राइडे आप अगेन फ्लोर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है प्रोग्राम में, लेकिन इंडिविजुअल में अगर स्पेसिफिकली प्रिपेयर हो गया तो जब तक एक गोल अचीव नहीं होगा वो चेंज नहीं करते हैं प्लान। प्रोग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिविजुअल से, क्योंकि इंडिविजुअल में 1-to-1 इंटरेक्शन था, 1-to-1 मॉनिटर था, फीडबैक भी 1-to-1 वहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर पूरा ग्रुप रहता है। प्रोग्राम इज फिक्स फॉर एवरीवन। इफ द ग्रुप आदर स्पेशल केसेस में थोड़ा सा हम एक सेट कर देते हैं, जैसे प्रेग्नेंट वूमेन है तो उनकी इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हैं बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। बाकी जनरल पॉपुलेशन में प्रोग्राम फिक्स है पर वैरायटी काफ़ी रखते हैं। फॉर जनरल ग्रुप यू विल हैव वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग। वैरायटी इज द की इफ यू वांट टू मेक अ फिजिकल प्रोग्रेशन। थोड़ा आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहता है वैरायटी से। ग्रुप मेंबर कोऑर्डिनेशन एंड चैलेंज फॉर परफॉर्म मोर डे बाय डे। ग्रुप मेंबर में ये भी रहता है कि आप चैलेंज करते हैं, हेल्दी चैलेंज आपस में, कि मुझे अच्छा करना है, मुझे कॉप अप करना है, मुझे उसके साथ अचीव करना है जो मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं, उनके साथ ग्रुप मुझे कोऑर्डिनेट करना है एक्सरसाइज को। तो वहाँ पर भी आपको प्रोग्रेशन अपने आप ही इनहर्ट आपका इंट्रेंसिक मोटिवेशन वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर हमेशा आपने ओवर ट्रेनिंग वर्कआउट करना है। आप चैलेंज जब ले रहे हैं, हेल्दी चैलेंज आप ले रहे हैं, आप ध्यान रखें कि अगर पेन हो रहा है तो आप उस टाइम ही ऑन द स्पॉट आप रुक जाए, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करने की जरूरत नहीं है। द प्रोग्राम इज एनालाइज बाय इंस्ट्रक्टर एंड योर ग्रुप मेंबर। व्हेन यू प्लेस योरसेल्फ इन ए ग्रुप ऑफ पीपल रीचिंग फॉर द सेम गोल एज यू, यू आर लाइकली टू पुश हार्डर देन यू वुड योर ओन। क्लासेज आर लीड बाय अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर हु आर ट्रेन टू मोटिवेट यू थ्रू आउट द वर्कआउट टू गो बियॉन्ड योर पर्सनल रिकॉर्ड्स। कि सारा प्रोग्रेशन के अंदर ही आएगा। प्रोग्रेस ग्रुप के अंदर भी आपका यहाँ पर भी आपका फीडबैक डायरी मेंटेन होगी, जहाँ पर आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में आपको हमेशा फीडबैक दिया जाएगा। देन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगेन मोटिवेशन फैक्टर इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा है, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, एक जॉयफुल मोमेंट रहेगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप उस वाले वर्कआउट को क्योंकि आप ग्रुप के अंदर कर रहे हैं। बिट जेंटल पीयर प्रेशर एंड फ्रेंडली कॉम्पिटिशन कैन गो ए लॉन्ग वे वैन इट कम्स टू मोटिवेशन। सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, यू गेट ए हायर एंडोरफिन आउटपुट, द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ ग्रुप एक्सरसाइज क्लास कैन लीड टू हायर एंडोरफिन रिलीज देन विद अदर एक्सरसाइज, और बहुत ही फन आपको मोटिवेट करेगा हमेशा। देन सोशल डेवलपमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रुप ट्रेनिंग। ग्रुप एक्सरसाइज क्लासेस प्रमोट सोशल बॉन्डिंग। जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, नए लोगों से मिलते हैं आप, स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होती है, इम्प्रूव योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, रिड्यूस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। बहुत जगह ऐसा देखा गया कि ओल्ड एज वुमेन में बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम अपना लोनलीनेस में गुजार देते हैं, और जब वो ग्रुप एरोबिक ज्वाइन करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। एवरीवन हैज़ ए इक्वल इन्वॉल्वमेंट मीन्स कि जब आपका टाइम सेट हो गया, आपके बीट सेट होगी, तो सभी लोगों ने एक साथ वर्कआउट करना है, तो वहाँ पर भी सोशल बॉन्डिंग बढ़ती है। सपोर्ट बोथ फ्रॉम योर ट्रेनर एज वेल एज योर पार्टनर, सपोर्ट आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंजरी से बचना, कोऑर्डिनेशन होना, आपको मोटिवेट करना, अकाउंटेबिलिटी कि आपने जाना है आज क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड के साथ वर्कआउट करना है, हमेशा आपको एक पुश करेगा कि यस यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, आप स्किप नहीं करेंगे ट्रेनिंग। द सपोर्ट ग्रुप कैन बी जस्ट वॉट यू नीड टू पावर थ्रू योर वर्कआउट, पुश योर सेल्फ अ लिटिल बिट फर्दर एंड रीच योर हेल्थ एंड फिटनेस गोल। सिंक्रोनाइज फिजिकल एक्टिविटी एलिवेट्स मूड एंड एनहांस ए सेंस ऑफ सोशल बॉन्डिंग। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल। अकॉर्डिंग टू द पर्सनल क्लास थोड़ा सा ग्रुप ट्रेनिंग काफ़ी इकोनॉमिकल रहेगा, आप ग्रुप मेंबरशिप ले सकते हैं। पैकेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, एडवांस पेमेंट, नो रिटर्न एंड नो शिफ्ट। टीचिंग मेथोलॉजी इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल,
स्पेसिफिक ना हो कि जनरल फॉर एवरीवन, क्योंकि उनके लिए सभी सारे बराबर हैं, और वो कॉमन एक स्टैंडर्ड एक बैलेंस प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे सभी के लिए अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंसिटी। लास्ट में एक जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों में क्या कंपैरिजन, ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। इंडिविजुअल ट्रेनिंग इज 1:1 रेशियो, और ग्रुप ट्रेनिंग जैसे ही 1:2 होता है और 1:3 होता है वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग इज सिंगल फोकस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक इंडिविजुअल वर्कआउट कर रहा है, बाकी ग्रुप ट्रेनिंग इज ए मास पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो मास पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिविजुअल ट्रेनिंग स्पेसिफिकली इंडिविजुअल में बिलोंग करती है, उसकी हिस्ट्री के ऊपर, उसके पोटेंशियल के ऊपर, बट हेयर जनरल एंड स्पेसिफिक पॉपुलेशन। जनरल मतलब कि आप सभी लोग मिक्स पॉपुलेशन है, सब लोग कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस से वर्कआउट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। स्पेसिफिक पॉपुलेशन जहाँ पर सभी पॉपुलेशन यूनिफॉर्मिटी है, सभी लोग प्रेगनेंट वुमेन हैं या फिर सारे डिसेबल पॉपुलेशन जो फिटनेस वर्कआउट करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम अलग होगा। लेकिन अगर वो 2 से ज़्यादा है तो वो अपने आप ही ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोग्राम इंडिविजुअल के लिए, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके गोल के अकॉर्डिंग, उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग, उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जनरल एंड स्टैंडर्ड प्रोग्राम सभी के लिए। जनरल मीन्स जहाँ पर आपका एक्सरसाइज भी है, फ्लोर एक्सरसाइज भी है, आपका स्टेप एक्सरसाइज भी है, आपका फ्लोर एक्सरसाइज भी है, आपकी इंटेंसिटी लो टू मॉडरेट टू हाई भी है, सिक्वेंसिंग एक्सरसाइज की पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है। फिटनेस लेवल स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग है, उसका जो जो उसने अचीव करना है, जहाँ तक जानना है, उसके जो गोल है, बहुत सारे लोग डिफरेंट गोल के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए अपना इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेलेक्ट करते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए वो प्रिपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो गोल सेट होता है। यहाँ पर जनरल फिजिकल फिटनेस लेवल, उसके अकॉर्डिंग आगे प्रिपेयर करते हैं वो। इंटेंसिटी एंड पेस अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल सब्जेक्ट, यहाँ पर इंटेंसिटी लो टू मॉडरेट एंड एडवांस ओपन टू ऑल। इंडिविजुअल ट्रेनिंग लेस इंजॉयबल है, और इंटरेस्ट पर विलिंगनेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर ग्रुप ट्रेनिंग में मोर इन्जॉयबल, लवेबल विद फन। म्यूजिक एज पर इंडिविजुअल नीड एंड डिमांड, यहाँ पर म्यूजिक कॉमन है सभी के लिए, ताकि वो म्यूजिक के साथ फेमिलियर हो जाए, ऑटोमेटाइज हो जाए, और अपने आप ही उस स्टेप पे वर्कआउट करना शुरू कर दें। यहाँ पर इंडिविजुअल में स्ट्रक्चर विद वार्मिंग अप, स्पेसिफिक वर्कआउट एंड कूलिंग डाउन। यहाँ पर स्ट्रक्चर, वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन भी है, लेकिन बैलेंस एंड स्टैंडर्ड वर्कआउट। यहाँ पर रेंज ऑफ सेशन एंड ड्यूरेशन सेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, यहाँ पर रेंज ऑफ सेशन एंड ड्यूरेशन कॉमन फॉर एवरीवन। फ्लेक्सिबल इन टाइमिंग, कभी भी आप कर सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, आधा घंटा, एक घंटा, नहीं करना आपने आज, आपने एक्सक्यूज दे के आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका टाइमिंग फिक्स है, लेकिन ट्रेनिंग पैटर्न आपके पास वैरायटी बहुत है, फ्लेक्सिबल है। हेयर इंटेंसिटी एज पर डिमांड, समटाइम समटाइम इंटेंसिटी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर लो टू हाई इंटेंसिटी। टीचिंग मेथड स्पेसिफिक है इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके गोल के अकॉर्डिंग, बट हेयर टीचिंग मेथड्स कॉमन फॉर एवरीवन, ओपन फॉर ऑल, बेसिस ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। सो दीज आर द कंप्लीट टॉपिक ऑफ इंडिविजुअल एरोबिक्स ट्रेनिंग। आई होप कि अब आपको और अच्छी समझ में आया होगा। इनकेस अगेन अभी किसी के डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।